खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां फुगाना थाना इलाके के जोगिया खेड़ा गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान खूनी संघर्ष में दोनों पक्षों के करीब 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका एक लाइव वीडियो भी सामने आ रहा है। इस खूनी संघर्ष से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जाता है कि ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई और लाठी डंडे चले। इस मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ग्रामीणों ने इस खूनी संघर्ष की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल का जायजा लिया और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। एसपी ग्रामीण अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि जहां इस घटना में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से लगभग 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। थाना फुगाना के जोगिया खेड़ा गांव में परसों दो पक्षों में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के विवाद हुआ था, आपस में झगड़ा किया था इन्होंने। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों के 9 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। जांच की जा रही है और आगे आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, कोई घायल हुआ था मारपीट? कुछ लोगों को मामूली चोट आई थी, कोई गंभीर रूप से नहीं घायल हुआ था। बाकी उसमें जांच कर कार्रवाई हो रही है। विवाद क्या था सर? ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर के विवाद हुआ था।